मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर। बता दें, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी को आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जी हां, अयोध्या में पीएम मोदी ने 15 किमी लंबा रोड करने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अमृत भारत और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अब तक के निर्माण में 1,04,043 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 2 साल पहले शुरू हो चुका था। इसके लिए 821 एकड़ जमीन ली गई है। पहले एयरपोर्ट के ATR 72 विमानों की उड़ान के लिए तैयार करने की रणनीति थी, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा घोषित किया गया। अब एयरपोर्ट को ATR 72 और एयरबस की उड़ान के लिए तैयार किया गया। रामायण आधारित चित्रों से सुसज्जित टर्मिनल बिल्डिंग के साथ 2,250 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया। अब दूसरे पेज का काम भी शुरू कर दिया गया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राजघाट निवासी दलित मीरा के घर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने निषाद परिवार से मुलाकात की। पीएम मोदी रविंद्र मांझी के परिवार से भी मिले हैं। पीएम मोदी ने उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। ये भी बता दें, पीएम मोदी यहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का मुआयना भी करेंगे। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास मैदान में आयोजित रैली में एयरपोर्ट समेत 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या राम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को रेलवे स्टेशन का मॉडल दिखाया। स्टेशन की सुविधाओं के बारे में उन्हें पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम मोदी ने परिसर में भी चित्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई अमृत भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी में आई महिलाओं श्रद्धालुओं से भी मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे।